खबर भोपाल से है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी, स्कूलों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सीएम राइज, स्कूलों में भी खाली पदों पर ये नियुक्तियां होंगी। लोक शिक्षण संस्थान ने इसको लेकर बजाता निर्देश भी जारी किया है। तो स्कूलों में रिक्त पदों पर होगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, तो अच्छी खबर है अतिथि शिक्षकों के लिए। सीएम राइज, स्कूलों में भी खाली पदों पर यह नियुक्तियां होंगी। अमृतांशी जोशी हमारी सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गई है भोपाल से, सीधा उनका रुख करते हैं। अमृतांशी, क्या जानकारी मिल रही है, ये नियुक्तियां होंगी, इसको लेकर उत्साहित कितने हैं वो कैंडिडेट्स जो चाहते हैं कि एज ए गेस्ट टीचर वो कहीं पर जाएं पढ़ाएं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो है अतिथि शिक्षकों के लिए काफ़ी बड़ी और एक अच्छी खबर है। खास बात यह है कि अतिथि शिक्षकों को अब नियुक्ति देने जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार, जहां पर सीएम राइज स्कूल के साथ साथ कई अन्य जगहों पर भी अतिथि शिक्षकों को यहां पर नियुक्ति दी जा सकती है। देखिए, एक और खास बात ये भी है कि लगातार जो अतिथि शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, ये चीज़ कह रहे थे कि उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। तो सरकार ने यहाँ पर सीएम राइज स्कूल में और अन्य जगहों पर उनकी नियुक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रावधान निकाल दिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी और एक अच्छी खबर अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पर आ रही है। जो सीएम राइज स्कूल में होंगे उनको तो अतिथि शिक्षकों को वहाँ पर नियुक्ति मिलेगी ही, लेकिन अगर कोई स्कूल जो है जहाँ पर कोई टीचर छुट्टी पर जाएगा या किसी और काम से बाहर रहेगा, तब भी अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर जो है नियुक्ति दी जा सकेगी। तो एक बड़ी खबर और एक अच्छी खबर अतिथि शिक्षकों के लिए, क्योंकि लगातार जो है अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि उनको नियुक्ति दी जाए जल्द से जल्द। लेकिन अब जो है सीएम सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को एक बड़ा, हम कह सकते हैं, स्थान देने का फैसला किया है। चाहे हम सीएम राइज स्कूल की बात करें या अन्य स्कूलों की बात करें, तो जाहिर सी बात है जो अभी तक अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी मांगें सुनी भी गई हैं और पूरी हुई हैं। तो एक अच्छी खबर मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए, और उनको इसके साथ साथ एक अच्छा, हम कह सकते हैं, स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जो कि और भी ज़्यादा उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। जी बिल्कुल, अमृतांशी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी, रास्ता उनके लिए खुल गया है।